तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग मटेरियल की कैलकुलेशन के बारे में। अब ज़्यादातर देखा जाए तो जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं जो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, और वहाँ पर बिल्डिंग के फसाड में अगर आपको एक्सटर्नल प्लास्टर का काम करना हो, ग्लेजिंग का काम हो, ACP का काम हो, या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसमें आपको वॉल के फेस में स्कैफोल्डिंग लगानी हो, तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि स्कैफोल्डिंग के लिए कितने मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी और कितना मटेरियल हमें या तो हायर करना है रेंटल बेसिस पर या फिर कितना मटेरियल हमें प्रिक्योर करना है। तो स्कैफोल्डिंग की मटेरियल की क्वांटिटी को कैसे ड्राइव आउट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। अब इसके बाद में जो बात आ जाती है कि ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्कैफोल्डिंग का जो कैलकुलेटर है वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है एक्सेल में। तो उसके बेसिस पर आप किसी भी वॉल फेस के लिए जो आपकी स्कैफोल्डिंग की जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसको आप इंस्टेंट 2 मिनट में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ बेसिक डाटा उसमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे साइट पर जाकर कि स्कैफोल्डिंग में यूज होने वाले आपके मेन मटेरियल्स कौन से हैं, उनका यूज कहां पर होता है, उनका पर्पज क्या है, जिसके बेसिस पर आप किसी भी प्रोजेक्ट में वॉल फेस पर लगने वाली स्कैफोल्डिंग का मटेरियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को पता है कि YouTube प्लेटफॉर्म पर लर्निंग टेक्नोलॉजी नाम से एक काफ़ी पुराना चैनल है, लेकिन अब उस चैनल पर ज़्यादातर के केस में जो हमारे मुकेश शाह जी हैं वो सिविल इंजीनियर्स की जो जॉब वैकेंसीज के अपडेट्स देते हैं, लेकिन उनका टेक्निकल कंटेंट अब उस चैनल पर नहीं आता है। तो उसी के रेफरेंस में मुकेश शाह जी ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है सिविल इंजीनियर मुकेश शाह, जिसके ऊपर वो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको एग्जीक्यूशन सीखना है, PBS है, क्वालिटी कंट्रोल है, आपके IS कोड, CPWD की गाइडलाइंस, तो ऐसे जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं सिविल इंजीनियर के लिए, तो वो सारे वीडियोस उनके नए वाले चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से उनके वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो काफ़ी टाइम से हैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है कि जो हमारे फ्रेशर्स हैं कहाँ से कैसे उनको वीडियो सिखानी है, तो वो काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो आपको उस नए वाले चैनल पर देखने को मिलेगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब उन्होंने इतना योगदान दिया है सिविल इंजीनियर्स को सिखाने में, तो उनके इस नए वाले चैनल को भी सपोर्ट करें। तो यही एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा था। अब इसके बाद में बात आ जाती है हमारे टॉपिक की, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ साइट पर और वहाँ से आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में ये स्कैफोल्डिंग का भाड़ा लगाया जा रहा है, और किसी इंजीनियर को अगर बोला जाए कि इस ओवरऑल एरिया में अगर हमें स्कैफोल्डिंग लगानी हो तो उसमें हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, उस मटेरियल की कैलकुलेशन बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है कि स्कैफोल्डिंग में यूज होने वाले कौन कौन से आपके मेन मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स का यूज कहाँ पर होता है और उनका पर्पज क्या होता है। तो ये सारे जो आपके बेसिक पॉइंट्स हैं मैं अभी क्लियर करूँगा यहीं पर, वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है आपके इस MS के चैनल की, जो आपके इसके बेस में थ्रू एंड थ्रू ओवरऑल स्कैफोल्डिंग की लेंथ में बिछाया जा रहा है। ये आपका इस तरफ भी है और आपका अपोजिट साइड में भी है। अब यहाँ का जो आप बेस देख रहे हैं वो बेसिकली मिट्टी का है, मिट्टी हमारी कॉम्पैक्टेड है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक सेफ्टी पैरामीटर्स को देखते हुए कि ये जो स्कैफोल्डिंग का जो लोड है वो हमारा इस मिट्टी पे एक यूनिफॉर्म वे में ट्रांसफ़र हो सके, जिससे कि किसी भी टाइप की कोई मिस हैपनिंग या फिर भाड़ा हमारा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने ये चैनल इसमें बिछाया हुआ है। तो पहला मटेरियल हो गया हमारा बेस में ये MS का चैनल, अगर आप मिट्टी में अगर स्कैफोल्डिंग लगाते हो तो। अब इसके बाद में जो अगली रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारी इस यू जैक की, अब यहाँ पर देखिए यू जैक को हमने उल्टा करके इस चैनल में इसको फिक्स किया हुआ है, ये आपका दोनों तरफ है, वहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बेसिकली अगर यहाँ पर यू जैक नहीं होता
यानी कि अगर आप किसी स्लैब वगैरह में या किसी कॉन्क्रीट के सरफेस के ऊपर अगर आप ये स्कैफोल्डिंग लगाते तो वहाँ पर यूज होता आपका बेस जैक। तो यानी कि आपकी बेस जैक की रिक्वायरमेंट आएगी और यू जैक की रिक्वायरमेंट आएगी। अब इसके बाद में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जो मेन मटेरियल का, वो है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका स्टैंडर्ड है और इसमें जो आपके ये कप बने हुए हैं तो बेसिकली यही आपका एक कप लॉक का सिस्टम होता है, ये जो आप देख रहे हैं। अब इसकी जो लेंथ है, हमारे प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर 3 मीटर की लेंथ होती है, यानी कि जो स्टैंडर्ड की जो लेंथ है। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि अगर भाड़ा हमें ऊपर की तरफ उठाना है तो इसको हमें फिर जॉइंट भी करना पड़ेगा, और जॉइंट के लिए हमारा यूज होता है जॉइंट पिन। सबसे पहले मैं आपको जॉइंट पिन दिखाता हूँ, ये देखिए ये जॉइंट पिन है जो ये पड़ा हुआ है, ये आपका जॉइंट पिन है। और इसको जॉइंट करने के लिए ये कहाँ पर यूज हुआ है, जहाँ पर हमारी एक लेजर दूसरे लेजर से जॉइंट हो रही है, यानी कि इस वाले पॉइंट पर, यानी कि एक हमारी नीचे की लेजर है, फिर उसके बाद में जो रेनफोर्समेंट स्टील को ऐसे घुमा के डाला हुआ है, तो उस स्टैंडर्ड के अंदर हमारा वो जो जॉइंट पिन है जो आपने अभी देखा है, ये जो जॉइंट पिन है, तो ये आपका उसके अंदर डाला हुआ है और उसके जो होल के थ्रू वो स्टील को निकाला हुआ है, जिससे कि वहाँ पर वो जॉइंट है वो हमारा फ्रीज हो जाए। तो जितने भी आपके ये स्टैंडर्ड्स हैं जो नीचे से लेके ऊपर तक जॉइंट किए गए हैं, तो जॉइंट पिन के थ्रू इनका यूज हुआ है। यानी कि आपके मटेरियल हो गए, एक हो गया आपका MS का चैनल, दूसरा बेस जैक या फिर यू जैक, तीसरा आपका स्टैंडर्ड और उसको जॉइंट करने के लिए जॉइंट पिन। अब बात आ जाती है ब्रेसिंग्स की। ब्रेसिंग्स में कहने का पर्पज़ है कि आपकी जो ये लेजर होती है, यानी कि ये लेजर है जो कप लॉक के थ्रू यहाँ पर जॉइंट बनाकर ये एक फ्रेम बना रही है। अब यहाँ पर यूज होते हैं आपके ये 1 मीटर के, 1200 के या फिर आपकी साइड पर जो भी एक रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर इनको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जो लेजर लगानी है वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पेसिंग है वो आपको 1200 की यूज करनी है या फिर 1 मीटर की यूज करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी आपकी ओवरऑल लेंथ होगी, अगर आप 1200 की यूज करोगे तो डिवाइड बाई 1200 से इन स्टैंडर्ड्स के नंबर्स निकलते हैं। अगर आप 1 मीटर की यूज करोगे तो 1 मीटर से ओवरऑल लेंथ को डिवाइड करोगे तो आपके स्टैंडर्ड्स के नंबर कैलकुलेट होंगे। इसके बाद में जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट पर ये वाली जो लेंथ है ये 1 मीटर की है और ये वाली जो लेंथ है ये वाली लेजर की 1200 की है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये मटेरियल भी आपको कैलकुलेट करने होते हैं। जब आपका एक ये बेस फ्रेम जो ओवरऑल बन जाता है, यानी कि इसकी स्पेसिंग होगी मान लेता हूँ 1 मीटर इस वाले की इस डायरेक्शन में और वो होगी 1200 की, तो एक बेस फ्रेम बन जाता है, फिर इनका जो इंटरमीडिएट में कहाँ कहाँ पर आपको जॉइंट्स देने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक आपका देखिए ये जॉइंट यहाँ पर है, दूसरी जो स्पेसिंग है कप लॉक की 1500 पर है, फिर से एक आपका कप लॉक 500 पर है, फिर उसके ऊपर 500 पर है, यानी कि तीन वाले पार्ट को छोड़कर, यानी कि उन्होंने जो दूसरी लेयर जो लेजर्स की डाली है वो आपकी डाली है 1500 पे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके ये ओवरऑल नंबर्स, यानी कि ओवरऑल हाइट, जितनी भी आपकी ये हाइट होगी उसको 1500 से डिवाइड करके इन लेजर्स की जो एक लेयर की नंबर में बनेंगे तो उसी अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपके कुछ बेस मटेरियल्स होते हैं। इसके बाद में वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको चाली यूज करनी होती है। चाली यानी कि जिस पर वर्कर खड़े होकर काम करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए चाली को आपको दिखाने के लिए ये जो हमारा एक्सटर्नल प्लास्टर का काम चल रहा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये जो चालियाँ बिछाई हुई हैं जिनके ऊपर वर्कर्स खड़े होकर काम करते हैं, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये जो चालियाँ बिछाई हुई हैं, तो इन चालियों को भी आपको कैलकुलेट करना होता है। तो दोस्तों अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वॉल फेस स्कैफोल्डिंग मटेरियल कैलकुलेटर है, और इसको मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि कोई भी सिविल इंजीनियर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रोजेक्ट में वॉल फेस पर होने वाले काम के लिए अगर आपको स्कैफोल्डिंग का मटेरियल कैलकुलेट करना है तो वो सारे फॉर्मूले मैंने इसमें लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती थी कि जो बेसिक मटेरियल्स की नॉलेज वो मैंने अभी आपको बताई। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि सपोज मेरी बिल्डिंग की लेंथ 60 मीटर है तो उसके लिए जो हमें स्कैफोल्डिंग लगानी है और उसकी हाइट 30 मीटर है तो बेस जैक या फिर यू जैक इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो वो हमारे हैं 102 नंबर। अगर मैं यहाँ पर लेंथ सपोज 40 मीटर कर देता हूँ तो ये क्वांटिटी आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, जैसे कि 68 नंबर्स हो गए।
इसी के अकॉर्डिंग आपके जो चैनल्स की जो भी लेंथ थी वो भी देखिए यहाँ पर इसके नंबर्स भी चेंज हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको सपोज 50 मीटर कर देता हूँ तो ये देखिए ये नंबर्स भी आपके चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो चैनल की जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 6 मीटर रखी हुई है, तो उसी अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि बिल्डिंग की हाइट अगर मेरी 30 मीटर है तो वहाँ पर जो आपका वर्टिकल जो स्टैंडर्ड कप लॉक है वो आपका 3 मीटर का यूज होता है मेजरली प्रोजेक्ट्स में। तो 3 मीटर वाले को मैंने मेजर पार्ट कवर किया है, बाकी मैंने और भी लिए हुए हैं क्योंकि कहीं कहीं हमें इन छोटे लेजर्स की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है छोटे लेजर्स की तो आप इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ मेरी बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर 30 मीटर है, सपोज मैं इसको 40 मीटर कर देता हूँ तो ये जो वर्टिकल वाले जो नंबर्स हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेटर हमारा काम करता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है जॉइंट पिन की। जैसे ही हमने बिल्डिंग की हाइट इंक्रीज की तो ये स्टैंडर्ड के नंबर्स भी बढ़ गए और आपके जॉइंट पिन भी इंक्रीज हो गए। सपोज मैं इसको वापस 30 कर देता हूँ तो जॉइंट पिन की भी क्वांटिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ये देखिए 860 हो गई। अब बात आ जाती है कि आपके जो स्कैफोल्डिंग लगाने का सिस्टम है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप कौन सी लेजर लेना चाहते हैं, 1200 की लेना चाहते हैं, 1 मीटर की लेना चाहते हैं, तो वो डाटा आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ कि अगर मेरी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लेजर है वो 1200 mm की ना करके मैं 1 मीटर की लगाना चाहता हूँ तो ये देखिए ये नंबर्स आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो गए और क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला डेटा आपको एक बार देखना है, येल्लो वाला पार्ट जो भी आपकी साइट पर है। और यहाँ पर अगर इसकी जो हाइट है अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं 32 मीटर करता हूँ तब भी ये लेजर्स की क्वांटिटी जो 1500 और 3000 है ये चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर 32 मीटर हाइट कर दे रहा हूँ, ये देखिए 1600 और 32 यानी कि एक एक जो लेयर है आपके लेजर्स की वो इसमें इंक्रीज कर गई है। इसके बाद में आपको देनी होती है ब्रेसिंग, क्योंकि ब्रेसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है किसी भी स्कैफोल्डिंग की सेफ्टी के लिए। अब स्कैफोल्डिंग की सेफ्टी के लिए आपको ब्रेसिंग लगानी है तो उसका भी 6 मीटर का स्टैंडर्ड पाइप आता है जिसके नंबर्स हमारे 110 नंबर आ रहे हैं। और ब्रेसिंग को आपको कपलॉक सिस्टम से ज्वाइंट करने के लिए इंक्लाइन कपलिंग चाहिए होती है तो वो आपकी 220 नंबर लगेंगी जो कि आपकी इस पाइप के दोनों एंड पर यूज होंगे। अगर आपकी ब्रेसिंग 110 नंबर है तो कपलिंग आपको जस्ट डबल चाहिए होती है। अगर आपको और ज़्यादा इंक्रीज करनी है तो ये क्वांटिटी को भी आप मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं पाइप के वॉल के पुटलॉक के सपोर्ट, यानी कि आपकी स्कैफोल्डिंग को कभी कभी वॉल के सपोर्ट से भी बांधना पड़ता है तो वहाँ पर भी जो एक ब्रेसिंग आएगी वो 6-6 मीटर की स्पेसिंग पर होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ओवरऑल जो आपका एरिया बन रहा है 50/32 का तो उसको डिवाइड बाई मैंने 30 किया हुआ है तो ये आपके पुटलॉक के सपोर्ट की पाइप्स के नंबर्स बता रहा है। इसके बाद में बात आ जाती है जब ये आप इसको यूज करोगे पुटलॉक को तो यहाँ पर आपको राइट एंगल की कपलिंग चाहिए होगी जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं तो उसके भी आपके नंबर 108 कैलकुलेट हो रहे हैं। लास्ट में आपको चाहिए होती है वर्कर्स के लिए 40, यानी कि आपको प्लेटफॉर्म बनाना होता है जिस पर वर्कर खड़े होकर मटेरियल को रखकर आसानी से काम कर सकें। तो आपकी अगर लेंथ जो 50 मीटर की है तो उसके लिए आपको 125-40 चाहिए होंगी जो कि आपकी डबल लेयर में बिछाई जाएंगी कि आपका जो ओवरऑल स्कैफोल्डिंग का एरिया है वो पूरा कवर हो जाए। अगर इसकी लेंथ को मान लेता हूँ मैं 50 की जगह 80 मीटर कर देता हूँ तो 40 की भी क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होकर यहाँ पर 200 हो जाती है। इसके बाद में जो कि आपके एरिया में मटेरियल्स के रेट्स हों, जो भी आपके जो कि पैसे में रेट होते हैं, जैसे कि मेरी एक जो ब्रेसिंग है ये 60 पैसे पर डे का रेंट है, वो आपको PO के अकॉर्डिंग या फिर किसी कोटेशन के थ्रू मिल जाएंगे। तो ये सारी जो पर डे का जो अमाउंट है उस स्कैफोल्डिंग के लिए आपको बताएगा कि 80 मीटर बाई 32 मीटर की हाइट की अगर मुझे स्कैफोल्डिंग लगानी है जिसकी स्पेसिंग अगर मैं 1 मीटर पे जो वर्टिकल स्टैंडर्ड में जो हमारा कपलॉक सिस्टम में जो ब्रेसिंग दे रहा हूँ अगर वो 1 मीटर की हाइट पर है तो मेरा जो खर्चा है पर डे का 6956 रुपये आएगा। और 2 महीने का अगर मेरा काम है 60 डेज का तो उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसका जो ओवरऑल जो रेंट है 2 महीने का 417,000 रुपये की कॉस्ट आएगी। इसके बाद में जो भी आपका काम होता है जैसे ग्लेजिंग का काम हो गया, ACP का हो गया, तो उसी में आप प्रोपोर्शनेट के बेसिस पर इसको भी आप बाइफरकेट कर सकते हो और अपने रेट एनालिसिस वगैरह के केस में भी यूज कर सकते हो। तो और इस स्कैफोल्डिंग कैलकुलेटर की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज में ले सकते हो।